सॉरी, मुझे हंसी बहुत आती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे ये तंदूर के लिए अवार्ड मिला है जो निवेदिता बासु जी है, हु इज़ दी हेड एंड क्रिएटिव एंड अतरंगी की करता धरता है। ऑफकोर्स शी इज़ समबडी हु हैज़ रिटन दिस, done the research on this true story and given me the opportunity to be part of it, so the award is for Tandoor। मैं अपने आप को ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं दूसरी चीज़ें फॉलो, मैं अपने आप में ही बिजी रहती हूँ मेरी जान। मोस्ट मेस्मराइजिंग अवार्ड का कैटेगरी भी ऐसा है कि फंबल हो जाता है। मोस्ट मेस्मराइजिंग सेलिब्रिटी, मेस्मराइजिंग। सॉरी, इस बार फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि शादी को लेके मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी शादी करके वापस आई तो ऑब्वियसली वो लेके बिजी थी तो फॉलो नहीं कर पाई। गेम तो सभी लोग अच्छे खेल रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट गेम है। बट आई वॉन्ट शिव टू विन, तो ऑब्वियसली वो जीतेगा। थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा वाला मिस्टर इंडिया पिंक है। बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा सुंदर अवार्ड है। रियली आई एम सो हैप्पी। Presented to Karanveer Bohra, best negative lead for Hum Rahe Na Rahe Hum। Thank you so much man, really बहुत अच्छा लगता है। I think ये मेरे ये तीसरी सीरियल है जिसमें नेगेटिव का लीड का अवार्ड मिल रहा है मुझे। एक तो कसौटी ज़िंदगी की था, एक सौभाग्यवती भवा, और हम रहे ना रहें इज़ माई थर्ड सीरियल विच आई गॉट फॉर बेस्ट नेगेटिव। रियली रियली हैप्पी। ये शो बहुत ही कमाल का शो है। इट्स अ रीमेक ऑफ अ टर्किश शो, लेकिन ऑफकोर्स हमें इंडियनाइज करना पड़ता है। हमारे जो सेंसिबिलिटीज़ है, हमारे जो ड्रामा हम इंडियंस चाहते हैं उस तरह से खेलते हैं। तो जैसे कि टीना है इसमें, जय, कीटू गिडवानी जी, इट्स एंड इवन अनीता हसनंदानी इज कमिंग, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एक घर छोड़कर हम दूसरे घर में जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो, दैट यू हैव फैमिली विथ यू। यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं, मुझे इसी के लिए बनाया गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एन्जॉय प्लेइंग द विलन रोल स्पेशली ऑन टेलीविजन, क्योंकि खेलने के लिए बहुत मिलता है। अभी मैं फ़िलहाल खतरों के खिलाड़ी फॉलो कर रहा हूँ। आई रियली लाइक दैट शो, वो मेरे फेवरेट रहा बिकॉज मैंने भी जो खतरों के खिलाड़ी किया था, एंड आई हैव डन मोस्टली ऑल द रियलिटी शोज़, बट दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट शोज़। अगर कोई भी मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार ये करना चाहिए, बोला आँख बंद करके कर लो। इज दैट गुड? सो मैं यहाँ पे नॉमिनेट हुई हूँ एंटरटेनमेंट क्वीन ऑफ खतरों के खिलाड़ी के लिए। आई एम सो ग्लैड कि मुझे नॉमिनेट किया गया है IIFTA अवार्ड से। इट्स अ वेरी गुड अवार्ड। आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनसाइड। अर्चना मेरा वेट कर रही है अंदर एंड इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग टू रिसीव एनी अवार्ड। एंड आप लोग का प्यार मोहब्बत, आई होप आप सब लोग खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो, मज़े आ रहे हैं आप लोग को। खतरों के खिलाड़ी में कितना एंटरटेन किया? मुझे पता नहीं कि मैंने एंटरटेन करने की कोशिश तो की, मैं खुद ही एंटरटेनमेंट बन गई। वहाँ पे मुझे तरह तरह के नाम दिए गए, एक्सप्रेशन क्वीन दिया गया। एक और है मेरा एक नया टर्म है जो आप लोग जैसे जैसे शो देखते जाएंगे आप लोग को समझ में आएगा, मैं बोल नहीं सकती बट अच्छा बोल देती हूँ, मैं एलिमिनेशन स्पेशलिस्ट हूँ। सो यही चीज़ है एंड बहुत मज़ा आया। Love is a beautiful feeling. It's an amazing state of mind. Love is a state of mind, guys. Everybody should be in love. So yeah, that's the thing. आप लोग देख रहे हो कि नहीं? How is it? मजा आ रहा है? मैंने नहीं किया है, मैं फॉलो कर रही हूँ। Get your facts clear, guys. थैंक यू। मैम बहुत थैंक यू सो मच। मैं मतलब जब भी आपके काम को सराहा जाता है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। आई फील कि जो इतने सालों से जद्दोजहद चली है, अब फाइनली मेहनत वसूल हो रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड बस एंजॉइंग। थैंक यू, थैंक यू। It's very excited. Actually, I'm very excited today. You know, for this, looking forward to get an award. Actually, so yeah, I'm excited to go and just you know, receive my award. Rising star. Yeah. Thank you. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि being an artist, being a performer is my passion. Whether वो acting हो या dancing हो या DJing हो, ये this is what I need to live. So I'm very grateful and very thankful कि मुझे उस चीज़ के लिए recognize किया गया और इफ्ता ने मुझे उस चीज़ के लिए award दिया. ये मुझे और inspire करता है और काम करने के लिए और कुछ amazing आप सबके सामने लाने के लिए. Well, I'm really happy to be here at IIFTA Awards, and it's a pleasure. And I always say कि जब भी मेरे को जो भी award मिलता है, I'm always really grateful and I'm really happy. And so, you know, I know there's the fashion show happening, so I'm you know excited to see that as well here. And yeah, I'm just excited and happy for today. Simba, how's it been getting an award now? I am again here. Good to see you again. It's a beautiful feeling, as you know. It feels really special when you're honored for your talent. So I'm really thankful and grateful. You got to know that you have come from a mock shoot. So what are the plans you have? Plan is to do better work and more hard work and be more passionate about what I do. As simple as that. People and audience are really waiting to see more and more, and that is our plan. I believe we'll be having after this week. Tell us about it. What about this week? You have a launch. I have a launch? Well, I don't know about it. Tell me about it. You know it already. No, it's about nothing. Konsa launch? Song launch is done already. Anything else? Yeah. No, nothing much this week. Yeah. Nothing. Yeah. Ready? Ha, ready. सर आज IIFTA नाइट है, आज आपको नॉमिनेट किया गया है, तो आपको क्या कुछ कहना है? सो एक्चुअली जब भी आप नॉमिनेट होते हो किसी भी कैटेगरी में फॉर एन अवार्ड, तो इट्स एन ऑलवेज स्पेशल फीलिंग क्योंकि आपको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है. सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. आपके काफ़ी म्यूजिक एल्बम आ चुके हैं और अगर आपके और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या? एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है जो मेरा आ रहा है और 1-2 महीने में मैं बात नहीं कर सकता उस बारे में, बट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एंड आई थिंक आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देखने में. तो ये भी कोई म्यूजिक शो होगा, म्यूजिक एल्बम होगा या फिर टीवी शो या फिर वेब सीरीज? हाँ, 2 चीज़ है, एक वेब शो है और एक बहुत बड़ा म्यूजिक वीडियो, तो ये दोनों चीज़ 2 महीने में आएगी. सो या बात करेंगे रियलिटी शो के बारे में, तो आप किस रियलिटी शो को फॉलो करेंगे? फिलहाल मेरे दोस्त है यार बिग बॉस OTT में, तो मैं काफ़ी थोड़ा बीच में इसमें से देख रहा हूँ मैं. आशिका है, मनीषा है, अभिषेक, एलविश, तो आशिका और मनीषा तो मेरे दोस्त हैं बाकी, बट वो चारों का ग्रुप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो या बात करें आपको किसी रियलिटी शो को चूज करने के लिए, तो आप कौन सा करेंगे? बिग बॉस, बिल्कुल बिल्कुल. बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों अच्छा है.